हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ नरेंद्र। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में रैम बढ़ा सकते हो कि नहीं। आप किस तरह से देख सकते हो कि उसके अंदर एक्स्ट्रा स्लॉट है कि नहीं है। तो दोस्तों, पहले अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप का बटन साथ में प्रेस कीजिए। टास्क मैनेजर ओपन होगा। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद में इसको फोल्डर को बड़ा कर लीजिए। आप बड़ा करने के बाद में आपको यहाँ पे वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मेमोरी करके दिख रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में देखेंगे, वहाँ पे आपको दिखा रहा है आपका कितना रैम है। राइट साइड में आपको रैम इसमें देखो 4 GB दिखा रहा है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे साइड में आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखो स्लॉट यूज़, यानी कि 2 स्लॉट है जिसमें से एक यूज़ हो रहा है और एक अभी फ्री है। यानी कि इसमें 4 GB रैम है, 4 GB तक और हम डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं नए नए वीडियो डालते रहता हूँ, जिसकी वजह से आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।